फ्रेंड्स, मैं राखी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी के आटे की चॉकलेटी केक, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है और यह बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। आइए इसे मैं बनाना शुरू करती। इसके लिए चाहिए रागी का आटा 1 कप, मलाई 1/2 कप, 1/3 कप दही, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप मैदा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून विनीगर, 1/4 बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चॉकलेट एसेंस। और सारे सूखे सामानों को एक साथ छानूंगी। आटा, शुगर, मैदा, मिल्क पाउडर और कोको पाउडर, इन सारे सामानों को मिलाकर एक साथ छान लूँ। इसे मैं 2 से 3 बार तक छानूंगी ताकि जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं सारे सूखे सामानों को अच्छे से छान ली हूँ। अब इसे किनारे करूँगी और सारे गीले सामानों को मिक्स करूँगी। अब मैं मलाई, दही को अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले कम से करते हुए अधिक पे जाऊंगी और फिर उसे कम पे करके हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 गिलास गुनगुना दूध इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें सूखे सामान को इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाऊंगी। सारा डाला गया। अब इसे मैं मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब डालूंगी एसेंस 1 टीस्पून। लास्ट में अब मैं इसमें इनो करूंगी। इनो मिक्स करने के बाद लेट नहीं करना है, इसे तुरंत मैं ओवन में अब सांचे पर डाल के ओवन पर डालूंगी। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा है 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके रेडी की हूँ। केक टिन पे मैंने पहले से ही ऑयल लगा के सेट कर ली थी और इस पर फिर बटर पेपर सेट की हूँ। बटर पेपर को अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसमें मैं इसका केक का बैटर डालूँगी कंटेनर पे। अब मैं इसे कंटेनर पे डालूंगी। कंटेनर में डालने के बाद इसे थोड़ा टैप टैप करूंगी जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल से वो निकल जाए। प्री हीट ओवन पे इसे मैं 180 डिग्री पे बेक करूंगी 30 से 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स हो चुकी है। मैं अब केक को निकाल के इसे चेक करूंगी। नाइफ की सहायता से इसे चेक करना है। नाइफ क्लियर आई कि केक अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे ठंडे होने दूंगी और ठंडे होने के बाद मैं इसे अच्छे से प्लेट पे निकाल लूंगी। केक को मैं अच्छी तरह से अपने करके प्लेट पे निकाल देख रहे हैं कि कितने अच्छे से केक फूला है। अब इसके पेपर को भी साइड से निकाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाज डालूंगी। गनाज लगाने के बाद अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज पे सेट होने के लिए रखूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद अब मैं इसी के ऊपर स्प्रिंकल्स और व्हाइट चॉकलेट से गार्निशिंग करूंगी। कुछ स्प्रिंकल्स डालती हूँ। केक अब सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।